हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू जांगे, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर, क्लास सिक्स का चैप्टर है फाइव, नाउन जेंडर। तो चलिए हम जेंडर स्टार्ट करते हैं। जेंडर किसे कहते हैं? जेंडर कहते हैं लिंग, यानी कि जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग मेल एंड फीमेल, यानी कि वो शब्द जिससे हमें ये पता चले कि कोई नाउन नर है या मादा है, उसे हम जेंडर कहते हैं। अब इंग्लिश में जेंडर फोर प्रकार के होते हैं, तो अब देखते हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है मस्कुलाइन जेंडर, सेकंड है फेमिनाइन जेंडर, थर्ड है कॉमन जेंडर, फोर्थ है न्यूट्रल जेंडर। अब हम सबसे पहले मस्कुलाइन जेंडर हम देखते हैं। मस्कुलाइन जेंडर पुल्लिंग, तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ए नाउन दैट डिनोट्स ए मैन क्रिएचर इज सेड टू बी ऑफ द मस्कुलाइन जेंडर, यानी कि वैसे नाउन जो किसी नर प्रजाति का बोध कराते हैं उसे हम मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं फादर, ब्रदर, बॉय, ये सब देखने से ही पता चल रहा है कि ये मस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। पुल्लिंग जिसे हम हिंदी में कहते हैं। आगे देखते हैं फेमिनाइन जेंडर, यानी कि स्त्रीलिंग। ए नाउन दैट डिनोट्स ए फीमेल क्रिएचर इज द सेट टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर, यानी कि वैसे नाउन जो किसी मादा प्रजाति का बोध कराते हैं उसे हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं मदर, सिस्टर, गर्ल, प्रीति, काउ, क्वीन आदि, सबको हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है, यानी कि फेमिनाइन जेंडर है। अब आगे हम मस्कुलाइन जेंडर के और फेमिनाइन जेंडर के बीच में हम कंपैरिजन देखते हैं। जैसे कि फादर का होगा मदर, ब्रदर का होगा सिस्टर, ऑक्स का होगा काउ, किंग का होगा क्वीन, इसमें हमने कंपैरिजन देखा। अब आगे हम थर्ड देखते हैं कॉमन जेंडर, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल और फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर, यानी कि ऐसे नाउन जिनसे हमें ये पता चले या तो ये नर प्रजाति के हैं या ये मादा प्रजाति के हैं उसे हम कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखते हैं टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट, गेस्ट, एनिमी, नेबर, यानी कि टीचर को हमें देखने से पता चलता है कि टीचर कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। पेरेंट्स भी दोनों हो सकते हैं, मेल भी और फीमेल भी। गेस्ट भी कोई हो सकता है, गेस्ट यानी कि मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। एनिमी मेल भी हो सकता है, फीमेल हो सकता है। नेबर यानी पड़ोसी, यानी वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। आगे हम देखते हैं न्यूट्रल जेंडर, यानी कि नपुंसकलिंग, तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए नाउन दैट डिनोट्स ए थिंग विच इज नाइदर ए मैन नॉर ए फीमेल इज ए सेड टू बी ऑफ द न्यूट्रल जेंडर, यानी कि वैसे नाउन जो ना ही मेल कैटेगरी में आते हैं और ना ही फीमेल कैटेगरी में आते हैं उन्हें हम न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखेंगे मटेरियल नाउन में बुक, पेन, वुड, ऑयल आदि सब ये मटेरियल नाउन है, ये इसे हम न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। अब जैसे हिंदी व्याकरण में जेंडर दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन इंग्लिश में चार प्रकार के होते हैं। अब आगे देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होनेस्टी, स्वीटनेस, ये सब हम न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। कलेक्टिव नाउन, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम वापस से देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऑनेस्टी, स्वीटनेस, ये सब हम न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत हम रखते हैं। कलेक्टिव नाउन में बंच, क्राउड, फ्लॉक, आर्मी, ये सब कलेक्टिव नाउन में अंतर्गत आते हैं, इसे हम न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत हम इसे रखते हैं। यानी जैसे बंच यानी कि गुच्छा को हम देख के ये पता नहीं कर सकते कि ये मेल है या फीमेल, तो ये इसे हम न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। क्राउड, अब क्राउड में भीड़ यानी कि भीड़ में नर और मादा, इसे भी हम न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखते हैं क्योंकि इसे देखने से हमें पता नहीं चलता कि इसमें कितने नर है और कितने मादा है। फ्लॉक यानी झुंड, तो इसको भी हम देखने से हमें ये पता नहीं चलता कि ये
इसमें मेल है या फीमेल, तो इसे भी हम सब न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। आगे हम देखते हैं इंसेक्ट एंड लोअर क्रिएचर्स, इसमें हम देखते हैं आंट, क्रो, बेबी, यानी कि जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें हम इंसेक्ट एंड लोअर के इसके अंतर्गत हम रखते हैं, यानी कि जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें हम न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखते हैं, यानी कि उन सारी चीज़ों को न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखते हैं जिनसे जिन देखने से हमें ये पता नहीं चलता कि वो मेल है या फीमेल है, इन सबको हम न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। आगे देखते हैं वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनाइन और ऑफ नाउन, यानी कि पूरी तरह से कोई भी दूसरा शब्द का नया प्रयोग करके हम वर्ड बनाते हैं, जैसे बाय यूजिंग एन एंट्रीली डिफरेंट वर्ड, यानी कि दूसरा वर्ड बना के हम किस तरह से नाउन फेमिनाइन और मस्कुलाइन को हम चेंज करते हैं, जैसे कि बॉय, बॉय का होगा गर्ल, यानी कि ये लड़का और लड़की, तो ये हमने वर्ड को ही चेंज कर दिया, बॉय, बॉय का होगा गर्ल, ब्रदर, ब्रदर का होगा सिस्टर, कॉक, कॉक का होगा हैन, किंग, किंग का होगा क्वीन, हस्बैंड, हस्बैंड का होगा वाइफ, यानी कि इसके हमने शब्द ही चेंज कर दिए फेमिनाइन से मस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने के। आगे हम सेकंड देखते हैं बाय एडिंग ए सिलेबल ई डबल एस, यानी कि हमें कोई भी शब्दांश के अंत में यानी ई डबल एस को जोड़कर हमें ये नए शब्द बनाते हैं, इससे ये मेल मेल से फीमेल बनते हैं, जैसे कि गॉड, गॉड यानी होता है भगवान, तो गॉडेस यानी देवी, लॉयन, लॉयन का होगा ई डबल एस लगा के हमने वर्ड चेंज किया तो लॉयनेस, पॉइट का होगा पॉइटनेस, पॉइटेज, प्रिस्ट, प्रिस्ट का होगा प्रिस्टेज, यानी कि हमें इन सब के आगे ई डबल एस लगाकर फेमिनाइन जेंडर हमने बनाया है। आगे देखते हैं इन सम वर्ड ई डबल एस इज एडेड आफ्टर द लास्ट वोवल द मस्कुलाइन, यानी कि कुछ ऐसे शब्द जिनके अंतिम में वोवल निकालकर ई डबल एस जोड़ा जाता है, जैसे कि टाइगर, टाइगर का होगा टाइग्रेस, हंटर, हंटर का होगा हंटरेस, एक्टर, एक्टर का होगा एक्ट्रेस, इस तरह से हमने इसमें ई डबल एस जोड़ा है। अब थर्ड हम देखते हैं बाय रिप्लेसिंग ए वर्ड, यानी कि किसी भी वर्ड के आगे से या पीछे से कोई वर्ड हटाकर जब नया वर्ड हम रिप्लेस करते हैं तो किस तरह से हम करते हैं वो देखते हैं। पिकॉक, अब पिकॉक में कॉक है तो हम इसको पीछे का वर्ड हटाकर इसे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा पीहन, यानी कि पिकॉक को, पिकॉक का फेमिनाइन होगा पीहन। ही गॉट, ही गॉट के आगे से वर्ड चेंज किया है तो इसका होगा शी गॉट। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का होगा ग्रैंडमदर, अब इसमें ग्रैंड तो सेम है लेकिन इसका पीछे से वर्ड चेंज किया है, फादर, फादर का हो गया इधर मदर, यानी कि ग्रैंडफादर का हो गया ग्रैंडमदर, यानी कि दादा और दादी। वॉशरमैन, वॉशरमैन, वॉशरमैन का भी हमने पीछे से वर्ड चेंज किया है तो इसका होगा वॉशरवुमेन। फादर इन लॉ, फादर इन लॉ का पहले से वर्ड चेंज किया है आगे से मदर इन लॉ। सन इन लॉ, सन इन लॉ में आगे से चेंज किया है तो इसका हो गया डॉटर इन लॉ। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं, चेंज द जेंडर गिवन नाउंस, अब हम इन्हें जेंडर चेंज करने हैं वो किस तरह से करते हैं देखते हैं। नेफ्यू, नेफ्यू का हो गया नाइस, किंग, किंग का होगा क्वीन, मैडम, मैडम का होगा सर, फिशरमैन, फिशरमैन का होगा फिशर वुमेन, बिच, बिच का हो गया डॉग, अंकल, अंकल का हुआ आंट, जेंटलमैन, जेंटलमैन का लेडी। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने पहले पहले हमने पढ़ा कि हमने पूरा वर्ड ही चेंज कर दिया तो इसमें जेंटलमैन का हो गया लेडी, हस्बैंड, हस्बैंड का हुआ वाइफ, हेडमास्टर, हेडमास्टर का होगा हेड मिस्ट्रेस, हंटर, हंट्रेस, मदर का फादर, सन का डॉटर, मिल्कमैन, मिल्क वुमेन, हॉर्स का हो गया मेयर। तो ये हमने आज जेंडर पढ़ा, आपको ये जेंडर
मुझे लगता है कि आपको ये जेंडर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम आपको आगे नए वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।